हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। सरकार राउंड काउंसिल आप लोग की लगभग खत्म होने वाली है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जो 500 पेमेंट की प्रॉब्लम थी अब पूरी तरीके से वो सॉल्व हो चुकी है। कैसे करना है कि आप लोग को 500 रुपीज़ नहीं लगेंगे, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है कि आप लोग को 500 रुपये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग को मैं सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पर आ जाएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सीनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस जब ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अब क्या करना है। यहाँ पर जो आप लोग का सीनेट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक, इसमें आप लोग को लॉगिन करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर देंगे तो आपके सामने लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। जैसा कि लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे जो आप लोग का सेकेंड राउंड में था और रजिस्ट्रेशन फीस लग रही थी, बहुत बच्चों ने पेमेंट कर दिया है, अब उनका पेमेंट कैसे वापस होगा तो उस पर मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप 500 रुपये किस तरह नहीं लगेंगे बच्चों के, तो इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अप्लाई सेकेंड राउंड काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे, ध्यान दीजिए ये उन्हीं बच्चों के लिए वैलिड है जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज कोई अलॉट नहीं हुआ है उन बच्चों को 500 रुपीज़ इस बार नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप वेबसाइट में पूरी तरीके से आप लोग के अपडेट कर दिया गया है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग पे आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी भी यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड पेंडिंग बता रहा है, नॉट पेड पेंडिंग बता रहा है और नॉट फिल्ड पेंडिंग बता रहा है। तो क्या करना है, आपको जो क्लिक है रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग की ओपन हो जाएगी। तो इस बच्चे की एक इन्फॉर्मेशन को मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इस पर माइनॉरिटी वाले पे क्लिक करना है। माइनॉरिटी वाले पे आप लोग को क्या करना है, इसमें भी आप लोग को नॉट अप्लीकेबल क्लिक कर देना। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू का नहीं दिया इसमें। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। और उसके बाद आएगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो इस पर यस करना है आपको। और यहाँ पे अगर आपने कक्षा 10वां और 12वां उत्तर प्रदेश से ही पास किया है तो आप इस पर यस दोनों पे करेंगे। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश से आप 10वां 12वां पास किए हैं तो इस पर दोनों पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जो अपलोड फॉर क्लास 12th मार्कशीट, ठीक है, इसको अपलोड करना है। उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट को आप लोग को अपलोड करना है। यहाँ पे मैं अपलोड करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। सही तरीके से अपलोड कीजिएगा, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, अन्यथा आप लोग के साथ दिक्कत हो सकती है। जिस पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड एंड पे फीस। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे कोई ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जिन बच्चों का पेमेंट हुआ रहेगा उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा, और जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकंड राउंड में उनका फिर यहाँ पे पेमेंट मांगेगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस काउंसलिंग एक आपका कंप्लीट हो गया है, फीस स्टेटस आपका पेड हो चुका है। अब यहाँ पे बच्चे को चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करना है, उसके बाद आप लोग का बिल्कुल पूरी तरीके से आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग बता दूँ कैसे करना है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, जैसा कि इस बच्चे को बता दूँ मैं झांसी से पहले फिल कर रहा हूँ। ठीक है, और बता दूँ मेरठ फिल कर रहा हूँ, बांदा फिल कर रहा हूँ, बदायूं फिल कर रहा हूँ, शाहजहाँ सहारनपुर फिल कर रहा हूँ, और शाहजहाँपुर फिल करना है, आजमगढ़ फिल करना है, और फिल करना है बस्ती और अम्बेडकर नगर। ठीक, उसके बाद फिल करते हैं कन्नौज,
उसके बाद मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पे फिल कर देना है औरैया, औरैया के बाद फिल कर देना है ठीक इतने कॉलेज बच्चे को फिल करना है ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे ओके के बाद, ओके के बाद जो आपका यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करेंगे ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस तरह को ऑर्डर में रखना है, जिसको फर्स्ट पे रखना है, जिसको सेकंड पे रखना है, उसको फर्स्ट पे ही क्लिक करना है। जैसे मैं बता दूँ सबसे पहले मैं झांसी रख रहा हूँ, उसके बाद मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे बदायूं, उसके बाद बांदा रखने वाला हूँ, उसके बाद मैं रखने वाला हूँ शाहजहाँपुर, उसके बाद रखने वाला हूँ मैं यहाँ पर बस्ती ठीक है, उसके बाद मैं रखने वाला हूँ कन्नौज, उसके बाद मेरठ रखने वाला हूँ, मेरठ के बाद अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर के बाद हम यहाँ पे रखने वाले हैं जो कॉलेज है आपका सहारनपुर, सहारनपुर के बाद रखते हैं औरैया, औरैया के बाद रख देते हैं आजमगढ़ ठीक। तो ये हो गए कॉलेज पूरे सेलेक्ट। अब इस पर आप लोग को ओके क्लिक कर देना है। ओके के बाद आप लोग को यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू चॉइस फिलिंग का पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, इस पर भी आप लोग को ओके पर क्लिक कर देना है। ओके जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपकी चॉइस फिलिंग सक्सेसफुली देखिए आ चुका है ठीक है। आप यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह कॉलेज मैंने फिल कर दिया, जिसको जिस नंबर पर रखा उसी नंबर पर यहाँ पर आ गया। तो सिक्वेंस का काफ़ी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक। उसके बाद अगर आपको एडिट करना है चॉइस फिलिंग ठीक है, जैसे कि और कोई कॉलेज ऐड करना, तो इस पर एडिट चॉइस फिलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे जब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 कॉलेज हैं ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिट का ऐड करना है कॉलेज ठीक, जैसे कि मैं बता दूँ सैफई का ऐड करना है, ओके करना है इस पर ठीक है। सैफई का यहाँ पे देखिए कॉलेज आ चुका है। फिर आपको यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट ओपन करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिस्ट ओपन करना है, और यहाँ पे वो कॉलेज ऐड हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा ठीक है। तो इस तरह आप लोग को फिर इसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू फिर से क्लिक कर देना है, तो आपके सामने वो कॉलेज भी ऐड हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है ठीक। तो ये रही आप लोग की चॉइस फिलिंग। अगर अभी भी कोई किसी को डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। पेमेंट अब किसी का नहीं पड़ रहा है जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।